ये हमने कमेंट दे दिया दूसरा वाला, और इसमें थर्ड वाला दे देते हैं। अब आपके पास एक से ज्यादा कमेंट होगा, एक से ज्यादा कमेंट होने पर आपको ऑप्शन एनेबल होते हैं प्रीवियस वाले और नेक्स्ट वाले, क्योंकि अगर एक ही है तो फिर तो कोई आगे पीछे जाने का सवाल नहीं बनता, और लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो फिर आप अगले और पुराने को जाने जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे आप इस पे हैं तब आप नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं, इससे आप नेक्स्ट वाले कमेंट पे आ जाएंगे। अगर आपको पुराने वाले पे जाना है तो आप प्रीवियस का यूज करें, उससे आप पुराने वाले कमेंट पे आ जाएंगे। अगर जैसे कोई कमेंट डिलीट करना है, जैसे कि ये वाला कमेंट हमें, इसमें जो कमेंट हमने दिया था वो हमें डिलीट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट कमेंट पे क्लिक कर दें। अब जैसे कि यहाँ पे सिर्फ हिंदी ट्रांसलेशन लिखा है, लेकिन यहाँ पे हमने कहीं भी मतलब सर का एपीजे अब्दुल कलाम का नाम मेंशन नहीं किया है, उनका नाम मेंशन करना है या फिर कोई भी एडिटिंग दोबारा से करनी है, तब आपका जो कमेंट वाला ऑप्शन होता है ना, न्यू कमेंट वाला, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडिट कमेंट्स में। इसकी सहायता से आप क्या कर सकते हैं, आपने जो कमेंट पहले से उस वर्ड में दिया है उसे आप दोबारा से एडिट कर सकते हैं, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का अल्टरेशन करके चेंज कर सकते हैं। आपने इस पे क्लिक किया, इसमें चेंज करना था, और आप एडिट कमेंट पर क्लिक कर देंगे, अब आपके पास ऑप्शन आ रहा है कि आप इसमें दोबारा से टाइप कर सकते हैं। और इसके बाद आप बाहर क्लिक कर देना, वो आपका कमेंट एक्सेप्ट कर लेगा। सारे फिर हो सकता है आप उसे इसके कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करके और डिलीट कर दीजिए, सारे डिलीट कर ये कमेंट देखिए, यहाँ का हमने एक कर दिया, एक करना है तो क्या करेंगे, इस पर डिलीट पे क्लिक कर लेंगे, है ना। लेकिन अगर साथ में करने हैं पूरे तो आपका करना कंट्रोल के साथ जहां जहां आपने कमेंट दिया वो वर्ड सेलेक्ट कर लेना और फिर डिलीट पे क्लिक कर लेना, होगा डिलीट सही हो गए। अरे यहाँ पे दिया था ना साइड में कमेंट, हाँ ये करना हो तो इस पे क्लिक करना, एक कीबोर्ड कीबोर्ड में बैक स्पेस की है और एक डिलीट की है, बैक स्पेस से डिलीट हो जाएगा और डिलीट की से डिलीट हो जाएगा, और ऐसे भी आना रहे तो होम टैब पर जाकर यहाँ से क्लियर करना था। ठीक है, तीन तरीके से कर सकते हैं, आ गया ना। ये शो इंक वाला जो ऑप्शन है ना, इसमें क्या होता है, आपकी पेंस वगैरह हाईलाइट होती है। जैसे कि आपने एक कमेंट दिया था, ये वर्ड था हमारा, हमने इसमें कमेंट दिया, अब इस वर्ड में कमेंट है, अब आपको इसमें क्या करनी है, इंक वगैरह मतलब हाईलाइट टाइप से करना है। तो इसके लिए एक अलग ऑप्शन आता है, वो ऑप्शन आप कैसे एनेबल करेंगे, आप फाइल टैब पर जाएंगे, ध्यान से देखना ठीक है, फाइल टैब पर जाएंगे, ऑप्शन है लास्ट वाला, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज रिबन है, आप इस पे क्लिक करेंगे। फाइल टैब पे गए आप, है ना, ऑप्शन वाले ऑप्शन पे गए, आप यहाँ पे हैं, आप कहाँ जाएंगे, फाइल टैब पे, यहाँ पे सबसे नीचे वाला ऑप्शन है ऑप्शंस, इस पे क्लिक किया आपने, तब आपके पास एक ऑप्शन आएगा कस्टमाइज रिबन वाला। अलग ही समझ जाना कि दो है ना ये बॉक्सेस में है, इसमें से पहला वाला है ना, इस पे क्लिक किया आपने। अब आप यहाँ पे तो कुछ पॉपुलर शो हो रहा है जिनका मोस्टली हम यूज करते हैं, पर हमें यहाँ से क्या सिलेक्ट करना है, आप इस पर ड्रॉप डाउन पर जाना और यहाँ से क्या सिलेक्ट करना, ऑल टैब। ठीक है, इतने सारे टैब आपके एक्सेल में हैं जिन जो मतलब बताए नहीं जाते, यूज में नहीं होते या पढ़ाए नहीं जाते, इनमें से हम केवल सात आठ टैब का यूज करते हैं, होम, एक्सेल, नहीं वो इनसाइट हो गया, रिव्यू हो गया, बस ये कितने हैं, मुश्किल से 6 से 7 या ज्यादा ज्यादा 8 होंगे, 10 से ऊपर तो एक भी नहीं होगा, लेकिन ये सारे ऐसे हैं जो एक्सेल में टैब्स हैं और इन्हें यहाँ पे आप इंक वाला टूल्स है, इंक टूल्स लिखा, इस पे जाके पेन वाला टैब है ना, इसको एनेबल कर लेना। जैसे ही आपने इस पे क्लिक किए करेंगे, ऐड का ऑप्शन आएगा, आप इसे ऐड कर लेना और ऐड के बाद आप ओके पर क्लिक कर देना। अब इन्हीं टैब्स में आपका एक पेन वाला टैब ऐड हो चुका है ना। अब जैसे आपने यहाँ पे कमेंट दिया,
अब आप पेन वाले टैब पे जाती हैं, अब ये है 2013 वाला वर्जन। 16 और 19 में क्या होता है कि यहाँ पे ये तब तक हाईलाइट नहीं होते, ये कलर्स पूरे हाईलाइट हो जाते हैं। इसके बाद आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करते हैं और घर में पेंटिंग मतलब दिवाली के टाइम पेंट करते हैं, सामने देखा होगा रोलर से करते हैं ना, एड्स एड्स में तो देखा ही होगा एशियन पेंट किया था वही वाला, उसमें जो रोलर होता है उस साइड से आपका जो कर्सर है रोलर में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे कई सारे कलर आते हैं। ये तो स्ट्रोक है, अगर स्ट्रोक चेंज करनी हो कलर आपको यहाँ से मिल जाएगा और थिकनेस यहाँ पे आ जाएगी, वो हम अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हैं और फिर इस पर पेंट कर देते हैं। वर्जन थोड़ा मतलब 2016 वाले MS Excel 2016 और 2019 में आए, आपके जो MCU है ना उसमें अभी 2013 है, तो आपको अभी यही पढ़ना पड़ेगा। जब वो अपडेट कर देंगे ना फिर अपन अपडेट कर लेंगे, फिर अपन ही पढ़ लिया करेंगे। फिर भी मैंने बता दिया क्योंकि वरना आप सोचते कि ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं बताया, तो ये वाला ऑप्शन कब हाईलाइट होगा, जब हम इसमें से पेन के कलर्स दे देंगे तो फिर आपको ऑप्शन इसमें मिलता है कि आपको शो कराना है कि नहीं करना। शो कराने तो अभी तक अभी 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 जैसे करना हो ना तो क्या करना, होम टैब पर जाना, एक ये दिया है, एक ही दिया इसे इस पे ही जाके कर लेना, ठीक है। ये जो भी कलर चाहिए वो हमने इस पे से कर लेंगे और जब 16 जाएगा फिर अपन उससे कर लिया करेंगे। तो ये शोइंग तक हो गया। अब नेक्स्ट क्या है आपका, प्रोटेक्ट शीट वाला। यहाँ पे हम कोई पुरानी फाइल ओपन कर लेते हैं जिसमें क्या हो काफी सारा हमारा डेटा होगा। जैसे इसमें हमारा डेटा है, हमने पुरानी शीट ओपन करी जिसमें हमारा डेटा, वरना उसे लिखते लिखने में अपना टाइम वेस्ट होता, इसलिए अपन ने क्या करी पुरानी कोई भी ओपन करना, ठीक है। अब इसमें क्या है अपना डेटा है, हम चाहते हैं कि कोई भी पर्सन, जैसे अगर हमने हम मान लीजिए ऐसा सार्वजनिक कंप्यूटर है जिसपे सब लोग आके अपने अपने टाइम पे जैसे रिवाइज करते हैं ना, अभी ऐसा है ठीक है पब्लिक वाला, तो उस पर अपना पूरा अधिकार तो रहता नहीं है। अब कोई भी आया आपने सेव कर दी, हो सकता है वो उसमें कोई चेंज कर दे, तो आप चाहते हैं कि वो इसमें कोई चेंज ना कर पाए, उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिव्यू टैब में जाते हैं, प्रोटेक्ट शीट वाला ऑप्शन मिलता है आपको, आप क्या करेंगे इस पर क्लिक कर देंगे। शीट क्या होगी, ये जो अलग से बनी ना, एक ये है एक ये एक ये अलग अलग, ये सारी क्या है आपकी शीट है, ठीक है। ये क्या है आपकी पर्टिकुलर एक शीट है, आप एक पर्टिकुलर यानी कि सेवल एक ही शीट में क्या करना चाहते हैं, ऐसी सेटिंग करना चाहते हैं जिसमें क्या हो कि इसमें कोई चेंज ना कर पाए, उसके लिए आप क्या करेंगे प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे पासवर्ड मांग रहा है, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड इसमें देना चाहते हैं वो आप इसमें पासवर्ड दे देना। पासवर्ड के रूप में अभी हमने यहाँ पे 123 दिया है, जो भी आपको देना हो वो आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है। और फिर आप ओके पर क्लिक कर देना, वो आपसे री एंटर करने को बोलेगा, कहीं आप अपना दिया हुआ पासवर्ड खुद ही भूल गए तो, इसलिए तो आप 123 दोबारा डाल देना, मतलब जो आपने पहले डाला हो। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देना, अब आपकी शीट क्या हो चुकी है, प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब आप जैसे इसमें कोई चेंजेस करते हैं तो ये आपको वार्निंग दे रहेगा मतलब कि ये शीट क्या है, प्रोटेक्ट है, आप इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको इसमें कोई चेंज करना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, शीट को अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अब क्या है, शीट तो प्रोटेक्ट हो गई, कोई इसमें कोई चेंज नहीं कर पाएगा, लेकिन कोई वर्कबुक ही डिलीट कर दे फिर, क्योंकि आप इसमें राइट क्लिक करते हैं तो डिलीट का ऑप्शन भी मिल रहा है, इंसर्ट का ऑप्शन भी मिल रहा है, मतलब ये सारे ऑप्शन क्या हो रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं। अब जैसे आप चाहते हैं कि इसे कोई डिलीट ना करे, तब आप बताने प्रोटेक्ट वर्कबुक वाला ऑप्शन अपना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, पासवर्ड मांगता है, आप पासवर्ड दे दें और ओके पर क्लिक करना, पासवर्ड को री एंटर करना और फिर ओके पर क्लिक कर दें। अब आपकी क्या है, वर्कबुक भी प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब आप जैसे इस पर राइट क्लिक करते हैं तो आपका जो डिलीट और रीनेम वाला ऑप्शन था, ये सारे क्या हो चुके हैं, डिसेबल हो चुके हैं, यानी कि आप इनका यूज़ नहीं कर पाएंगे इस तरीके से। अगर आप इन दोनों में से एक का भी केवल यूज़ करते हैं तो फिर क्या होगा, वो ठीक से अप्लाई नहीं होगा। जैसे हमने वर्कबुक प्रोटेक्ट कर दी, कोई शीट में चेंज कर देगा, शीट प्रोटेक्ट करती थी वर्कबुक डिलीट कर देगा, तो अगर आप इन दोनों ऑप्शन को साथ में यूज़ करते हैं ना तो आपके लिए थोड़ा यूजफुल रहेगा ना, फायदेमंद।